हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज है यहाँ पर सैटरडे और हम जा रहे हैं कहीं बाहर। थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी दर्शन को, और मीशी के कुछ हमने कपड़े लिए थे जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, तो साइज़ कुछ ठीक नहीं थी तो वो मुझे रिटर्न करने हैं स्टोर में। और साथ साथ करनी है ग्रॉसरी शॉपिंग, और क्या लेना है हमें? राखी। हाँ, राखी लेनी है क्योंकि नेक्स्ट वीक राखी है, तो उसकी भी शॉपिंग करनी है। सो चलते हैं और आपको भी साथ में लेके चलते हैं, लेट्स गो। अभी बज रहे हैं दिन की 3 और हम लंच करके निकले हैं। पहले हमने सोचा कि हम लंच बाहर कर लेते हैं तो थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे, बट वी थॉट कि उतना ज़्यादा टाइम हमें नाइशी बाहर नहीं देगी, तो बेहतर है कि लंच करके निकलते हैं। सो लंच हमारा हो गया है और मैंने रात के लिए डिनर भी प्रिपेयर करके रख दिया था। सो हम जा रहे हैं आउटलेट मॉल जो है एयरपोर्ट के पास में। दर्शन को कोलंबिया से कुछ लेना था तो उसका स्टोर वहीं पर ही है, और रास्ते से हमने गैस भी फिल करानी थी, तो आज कुछ गैस का प्राइस कम है तो वी थॉट कि फ़ायदा उठाया जाए, टैंक फुल करा देते हैं। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि अल्बर्टा जो प्रोविंस है दैट इज़ फेमस फॉर डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो यहाँ पे गैस कंपैरेटिवली बाकी प्रोविंस से थोड़ी सस्ती पड़ती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गैस के प्राइसेस बहुत हाई हैं, तो आज कंपैरेटिवली थोड़ा कम था, तो हमने सोचा कि टैंक भी खाली हो रहा है तो फिल करा लेते हैं। और अगर आप नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हैं तो यहाँ की लाइफ आपको बहुत ही इंडिपेंडेंट बना देती है। यहाँ पे कोई भी इंडिया में जैसा होता है भैया जी लोग होते हैं टैंक फिल करने के लिए, यहाँ वो सब नहीं होता। यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी में गैस पेट्रोल जो होता है वो भी खुद फिल करना पड़ता है। सो दर्शन अभी वही कर रहे हैं। गैस हो गई है फिल और अब चलते हैं मॉल जो कि है अक्रॉस द स्ट्रीट। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी भीड़ दिख रही है, जितना गैस स्टेशन पे था मॉल में भी मुझे लग रहा उतना ही क्राउडेड होगा, तो चलते हैं वहाँ शॉपिंग करते हैं। आप मॉल पहुंचते ही नाइशी सो गई थी, तो हमने पहुंचते ही सबसे पहले अपनी जो भी शॉपिंग थी वो कर ली, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है, बट मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी मैंने क्या लिया। सो रिटर्न भी जो मुझे करने थे कपड़े वो भी हो गए हैं। सो शॉपिंग इज़ ऑल डन। कार में जाकर के जो शॉपिंग के बैग्स थे दर्शन वो रख आए थे क्योंकि काफ़ी हैवी बैग्स थे उसके, और अभी मीशी कर रही है ट्रेन राइड। हम कई बार इस मॉल में पहले भी आए हैं, बट ट्रेन राइड्स जो हैं वो कोविड की वजह से बंद थी, आज चल रही थी, तो मीशी का बहुत मन था कि वो नाइशी के साथ बैठे, बट क्योंकि वो सो रही थी तो उसे अकेले ही करनी पड़ी। और ये फुटवेयर मुझे बहुत पसंद आया जिसकी साइज़ मुझे नहीं मिली, तो आई थिंक मैं ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर दूँगी अगर अवेलेबल होगा तो। और बस मॉल में आओ और आप फूड कोर्ट से कुछ ट्राई नहीं करो, स्पेशली व्हेन यू हैव किड्स, ऐसा हो नहीं सकता। तो दो हम लंच करके आए थे बट मीशी का बहुत मन हो रहा था कि मैं यहाँ से कुछ खाऊँ, तो कुछ अभी ऑर्डर हमने किया है एंड ऑनेस्टली पूरे पैसे हमारे पानी में चले गए। इतना टेस्टलेस फूड था, बट ठीक है, कभी कभी ये एक्सपीरियंस भी हो जाता है। कुछ 2 से 2.5 घंटा हम थे मॉल में और अब हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, जो कि मुझे लगता है जल्दी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लिस्ट में मैंने आइटम्स नहीं ऐड किए हैं, तो चलते हैं। आप मैं आई हूँ सुपर स्टोर, क्योंकि यहाँ की जो प्रोड्यूस आइटम्स हैं लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वो बहुत ही फ्रेश होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो जल्दी से यहाँ से सामान उठाते हैं। आप पिछले कुछ महीनों से हर चीज़ इतनी महंगी होती जा रही है। मुझे कनाडा में 4 साल हो गए हैं और टू माई सरप्राइज़
कुछ कुछ चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, लाइक ऑयल है, सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स हैं। सो जो भी मैं सामान लेके आती हूँ या दर्शन लेके आते हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसे उस वीक में फिनिश कर दूँ, सो दैट कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं हो। अगर कोई सामान हमें फ्रेश प्रोड्यूस में नहीं मिलता तो फिर मुझे वो फ्रोज़न सेक्शन से उठाना पड़ता है। वेजिटेबल्स भी फ्रोज़न सेक्शन में मिल जाती हैं। तो जी, हम पहुंच चुके हैं अभी ग्रॉसरी के लिए सुपर स्टोर, और सबसे अच्छी आज बात है कि यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, काफ़ी खाली है। तो जल्दी जल्दी से बिलिंग भी हो जाएगी। लिटिल वन इज़ इन गुड मूड, अभी उसको लग रहा है कि मुझे गोदी में उठा के मेरे साथ कोई खेले। एल्डर वन इज़ बिट टायर्ड, तो वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही है, तो थोड़ा जो भी काम है करके फिर निकलते हैं घर। यहाँ पे हो रही है बिलिंग और हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, सो फटाफट से हमारी बिलिंग भी हो गई। दिन भर बाहर रहने के बाद कुछ 8:30-9 o'clock हम लोग घर वापस आए। मेरा डिनर मैं बना के गई थी, तो आने के बाद सबसे पहले डिनर किया, फिर नाइशी को मैंने ऑल मसाज दिया और फिर सुला दिया थोड़ी देर के लिए। वो नैप लेके उठ गई है तो खेल रही है अभी। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज एक्चुअली, क्योंकि ग्रॉसरी के लिए यूजुअली मैं नहीं जाती, दर्शन अकेले ही कर लेते हैं, पर इस बार मेरी पैंट्री, मेरी फ्रिज दोनों ही खाली हो चुके थे, तो मैंने दर्शन से कहा कि मैं भी चलती हूँ, तो हम दोनों ही साथ में गए। कई बार ऐसा होता है कि आप लिस्ट बना के जाते हैं बट स्टोर में जाने के बाद कुछ सामान याद आने लगता है, तो करते करते बहुत सामान हो गया था, तो वो सारा किया। और बस अब सारी जितनी भी ग्रॉसरी है उनको अपनी अपनी जगह पे रखना है। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको कि ग्रॉसरी शॉपिंग में हमने आज क्या क्या लिया। एक मिनट में कैमरा फ्लिप करती हूँ। ये जो भी ग्रॉसरी मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये कॉस्को और सुपर स्टोर दोनों से ही हमने करी है। कॉस्को की एक दिन पहले दर्शन करके आए थे, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले लिया हमने कोकोनट वाटर, आजकल गर्मी बहुत हो गई है तो ये मैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स में अपनी फैमिली को सर्व करती हूँ, तो इसका एक बॉक्स मैंने मंगाया है। फिर है ये टी का बैग, जो मुझे इस ब्रांड की अच्छी लगती है तो ये मैंने ली है। एक बैग लिया है मैंने ब्राउन शुगर का। और फिर कुछ स्नैक्स मैं मीशी के लिए हमेशा रखती हूँ, तो जो भी उसे पसंद आता है। इस बार मैंने लिया है सोया स्टिक्स और 50-50 ब्रिटानिया के बिस्किट्स। फिर लिया है दर्शन के लिए ग्रीन टी का बॉक्स। और आजकल ये फ्लैक्स सीड्स हैं जो मैं अपनी और दर्शन की डाइट में इनकॉर्पोरेट करती हूँ, तो इसका बॉक्स मैंने लिया है। फिर है ये गिट्स का गुलाब जामुन का पैक, देखती हूँ कब टाइम मिलता है इसे बनाने का। और फिर स्पाइसेस में मैंने लिया है यहाँ पे एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला एंड शान का सिंधी बिरयानी मसाला। सिंधी बिरयानी मसाला इसका बहुत ही अच्छा है, तो ये ही ब्रांड का मैं लेती हूँ हमेशा। फिर मैंने लिया है रॉबिन हुड का ऑल पर्पस फ्लाफ, मिल्क का एक गैलन यहाँ पे मैंने लिया है। और आजकल चेरीज बहुत स्वीट आ रहे हैं, बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, तो जब भी हमें फ्रेश मिलते हैं मैं मंगवा लेती हूँ, मुझे आज नज़र आ गए तो ये मैंने ले लिए। फिर यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ प्लम्स और टोमेटो का एक बैग लिया है। फिर लिए हैं यहाँ पे मैंने लाइम्स, फ्रेश थे तो थोड़े ज़्यादा ही ले लिए, अदरवाइज 2-3 पीस ही मेरे वीक के लिए आते हैं। और साथ में यहाँ पे है ब्रिंजल, जो भरता वाला बैंगन होता है, वो बहुत फ्रेश था तो उसके भी मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं यहाँ पे। उसके बाद जो उठाया था हमने वो था टर्निप, टर्निप लिया है यहाँ पे, वो भी फ्रेश थे। व्हिपिंग क्रीम का जो टेट्रा पैक होता है ये बड़ा वाला, ये मैंने लिया है एक। और ब्रेकफास्ट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट ब्रेड, तो ये जो वंडर की सैंडविच थिन स्लाइस ब्रेड आती है ये मैं लेके आती हूँ अपने घर में, सो उसका एक बैग मैंने ये लिया है। और फिर ये रेड चिली एवरेस्ट की मैंने 2 बॉक्सेस लिए हैं इसके। और जो पनीर है वो इस तरीके से सील्ड पैक में आता है, तो इसके भी 2 मैंने उठाए हैं, दोनों अलग अलग ब्रांड के हैं। ब्रार का तो बहुत अच्छा है, वो अक्सर ही मेरे घर में आता है, और इस ब्रांड का मैं बहुत टाइम के बाद लेके आई हूँ।
फिर मैंने लिया है न्यूट्रेला का सोया ग्रैनुल्स, जो सोयाबीन होती है वो है ये, तो ये मैंने एक छोटा पैक्स का लिया है, ये सुपर स्टोर से लिया था, लेकिन जो चंक्स होते हैं वो कॉस्को में फैमिली पैक मिलता है तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो मैंने चंक्स ले लिए थे कॉस्को से, और ग्रैनुल्स का बॉक्स लिया था मैंने सुपर स्टोर से। फिर यहाँ पे मैंने ली है एक एग की बड़ी वाली ट्रे, ये पूरी ट्रे 30x की है जो ऑलमोस्ट मेरा अ मंथ चलती है। और यहाँ पे मैंने दो पैक्स लिए हैं बटर के, कुछ बनानास लिए हैं, और फ्रोज़न सेक्शन से मैंने ये वेजिटेबल्स ली थी, भिंडी है, करेले हैं, एंड देन जैक फ्रूट है। कभी कभी सब्ज़ी नहीं होती घर में तब मैं फ्रोज़न सेक्शन से अपने इनको यूज़ करती हूँ, और वैसे भी यहाँ पे भिंडी करेले हमेशा नहीं मिलते हैं फ्रेश प्रोड्यूस में, तो इनका फ्रोज़न जो बैग है मैं एक आध अपने घर में रखती हूँ। और एक मैंने ली है प्यूरी की बॉटल, कभी कभी बहुत टाइम नहीं होता, जल्दी खाना बनाना पड़ता है तो नाइशी की वजह से, तो फिर मैं ये प्यूरी का एक बॉटल लिया मैंने। और ये अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो इसका मैंने पिक्चर डाला था, ये बहुत अच्छे हैं बेगल बाइट्स, इसका मैंने सेकेंड बॉक्स यूज़ कर रही हूँ अभी। और ये है असीस बाइट्स, वेरी हेल्दी ऑप्शन फॉर इवनिंग मंचिंग, इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स थे वो बहुत ही हेल्दी हैं, इसमें ओट्स एंड फ्लावर सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, रेजन और बाकी के भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं काफ़ी हेल्दी हैं, तो इसका मैंने एक बॉक्स लिया। ये सारी ग्रॉसरी जो है मेरी ऑलमोस्ट 15 दिन सब्जियाँ चलेंगी, और बाकी सामान तो मेरा महीने भर भी चल जाएगा। एक लिया है पोटैटो का बैग, सब इनको अपनी जगह पे मुझे रखना है। और ये राखियाँ हमने ली थी, दर्शन और मीशी लेकर के आए थे, मैं और नाइशी कार में ही थे। आप जब ये व्लॉग देखोगे इंडिया में राखी सेलिब्रेट हो चुकी होगी, बट हम सेलिब्रेट करेंगे फ्राइडे को, तो जो मेरा राखी वाला व्लॉग है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीक शेयर करूँगी। तो ये सारी हो गई है हमारी राखी की शॉपिंग। मेरे ख्याल में मैं बहुत टाइम के बाद 4-5 months हो गए उसके बाद मैं ग्रॉसरी के लिए दर्शन के साथ गई थी, दिसंबर में मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था मुझे याद है, तब हमने साथ में ग्रॉसरी करी थी, उसके बाद अब मैं गई हूँ तो खुद को भी बहुत अच्छा लगा था, फॉर अ चेंज कुछ नया करने को मिला, अदरवाइज तो घर पे ही मेरा आजकल टाइम निकल रहा है। इट वॉज़ क्वाइट अ प्रोडक्टिव डे, दर्शन को एक्चुअली शॉपिंग करनी थी बट उनको जो चाहिए था वो उतनी पसंद का उनको मिला नहीं, मुझे और मीशी को जैकेट्स मिल गई, तो हम दोनों ने अपनी अपनी शॉपिंग कर ली, तो कुल मिला के इट वॉज़ अ गुड डे। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग इंटरेस्टिंग लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक एक नए व्लॉग के साथ, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखें, खूब सारी केयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।